अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे, यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। ये हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें, रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफंती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं।